द मिलियन फार्मर्स स्कूल किसान पाठशाला के तहत ट्रेनर्स मूल्यांकन के अंतर्गत लखनऊ से कृषि निदेशक द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में किसान पाठशाला के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि से संबंधित और पराली प्रबंधन के संबंध में तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान कृषि से संबंधित ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देने, पराली को जलाने के संबंध में लगने वाले चालान के बारे में किसानों को बताने के साथ जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह, संभागीय कृषि अधिकारी, पंचायत अधिकारी मौजूद रहे। लंबी क्यारी बनाएंगे तो हम देख लें कि हमारा आधे से ज्यादा भर जाती है क्यारी, तो उसको बंद कर देना चाहिए जिससे कि हमारी आगे जो क्यारियां पूरी भर जाएगी। नहीं है तो ज्यादातर पाप से हम सिंचाई करें, स्प्रिंकलर सेट है, ड्रिप सिंचाई है, उससे सिंचाई करेंगे तो हमारा उससे जल प्रबंधन भी होगा। जल प्रबंधन हमें यही करना है, जैसे क्यों जरूरत है हमें जल प्रबंधन की कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे कई देशों में पानी खत्म हो चुका है और हम जल प्रबंधन हमें करना बहुत जरूरी है। 20x30 का गड्ढा बना लें, उसमें पानी अपना रखें जिससे कि हम अपनी बिजली अगर नहीं आती है, हमारा संसाधन है ट्यूबवेल है, तो हम उससे उसे गियर डाल करके। अगला पॉइंट है पराली प्रबंधन। हम जानते हैं कि हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ गेहूं और धान की ज्यादा पैदावार की जाती है। हम सब किसान कंबाइन मशीन है, उससे कटवा करके और उसमें जो फसल रह जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं, उन्हें जला देते हैं। इस देश में इतना प्रदूषण फैल रहा है, हमारी मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट होते हैं जिससे कि हमें वो नहीं जलाने चाहिए। इसे जलाने क्षमता है जो हमारे पोषक तत्व वो जल जाते हैं, नमी फसल का जो ताप है वो बढ़ जाता है जिससे हमारा घूम वायु संचार है मिट्टी में अच्छी तरह नहीं चल पाता है। तो हमें इसके लिए हमारी सरकार ने जैसे खेतों में ना देते हैं किसान आपको, उसके लिए कुछ तरकीब भी रखा है किसानों में। दो हेक्टेयर से कम है उनके लिए शायद 2500 रुपया है, और जैसे दो से तीन हेक्टेयर है उनके लिए 5000 है, और जैसे 5 से कम है लग भी जाता है आप सभी लोग जला देते हैं, और भविष्य में अगली दूसरी बार अगर जलाने पर तो आपको हो सकता है कार्रवाई भी, यानी कारावास भी हो सके। आपके यहाँ पे किसान पाठशाला का आयोजन है जिसमें आपको प्रथम दिवस में पूरा काम में उनके बारे में आपको बताऊंगा।